वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। आप लोग जान रहे, खुश रहें, बात रहें, हंसते मुस्कराते रहें और अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियों से नवाजे। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज है मेरे बेटे की बर्थडे और मैंने उसकी तैयारी करनी है और आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या करूँगी उनकी बर्थडे में। बहुत सिंपल सी बर्थडे होनी है। ये नहीं कहना कि जी इनके पास कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं है क्योंकि हमने किसी को नहीं बुलाया। मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ ही थोड़ी सी छोटी सी अपनी पार्टी सेलिब्रेट कर रहा है, वो जो उनके हिफ्ज़ के बच्चे हैं ना उनके साथ ही। तो वो बहुत सिंपल सी पार्टी होनी है, तो आप लोग भी एंजॉय करना और प्लीज़ मेरे बेटे को अच्छे अच्छे से कमेंट करना और बताना। अल्लाह पाक मेरे बेटे की लंबी उम्र करे और इसे नेक बनाए। तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है और अपनी बहन को सपोर्ट करनी है। और आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और जो आज मैं काम करूँगी वो आप सब बहन भाइयों के साथ मैं शेयर करूँ। ये जो केक था वो मैंने मंगवा के रख लिया था लवली का, और ये फालसा था, गर्मी के लिए मैंने मंगवा के रखा हुआ था कि जूस वगैरह बना के पीते हैं। और मैं चेक कर रही थी कि फ्रूट मिर्च में कितना पड़ा हुआ है तो मुझे क्या मंगवाना पड़ेगा, और ये मसाला देख रही थी जो चीज़ें कम में है ताकि वो मैं मंगवा लूँ। ये चिकन है जो मैंने धो के रख लिया है और मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ बच्चों के लिए, और साथ में ये आलू बॉयल किए मैंने और चिकन उबलने के लिए रखा हुआ है। मैं चिकन और आलू की टिक्कियाँ बनाऊँगी साथ चिकन पुलाव के, मतलब बिरयानी के साथ। और ये चिकन उबल रहा है तो साथ में मैं बिरयानी रख दूँगी। तो ये मैंने शामियाँ जो तैयार कर ली हैं और मैं अभी इनको मसाला सॉरी तैयार कर लिया था, तो मैं अब शामियाँ तैयार कर रही हूँ। तो ये शामियाँ जी वो चिकन और आलू की तैयार हो रही हैं और साथ में मैंने बिरयानी बनानी शुरू कर दी है और ये बिरयानी का मसाला बन रहा है और माशाल्लाह से तो बहुत मज़े की आ रही है। मैंने बच्चों को कहा था कि बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है, उस दिन आपकी बर्थडे का दिन रखूँगी जिस दिन थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा, तो नहीं मेरा बच्चा साहब माने नहीं और गर्मी ने इतना बुरा हाल किया और साथ में लाइट हो जा रही है तो बड़ी मुश्किल से किचन में मैं कहती हूँ कि काम कर रही हूँ। और ये 2 किलो चावल हैं जो मैंने भगो के रखे हुए हैं ताकि मतलब, तो मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा बर्तन छोटा है, देखते हैं क्या बनता है। और अब सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मसाला बन गया तो मैं अब इसमें पानी शामिल कर रही हूँ मसाले में, जो सॉरी पानी ऐड कर रही हूँ और ये खड़ा मसाला मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो बर्तन मुझे वाकई छोटा लग रहा है, देखते हैं अब क्या बनेगा। दुआ करना कि मेरे बच्चों की अच्छी बिरयानी बन जाए। और शे जी माशाल्लाह से मैंने चावल डाल दिए हैं, वाकई ही छोटा लग रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। और आप सब सुनाए कैसे हैं और सबकी गर्मी कैसी जा रही है? गर्मी से बहुत बुरा हाल है, तो मेरा तो बहुत बुरा हाल है, वीडियो बनाने को भी दिल नहीं कर रहा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में जाने को ही नहीं दिल करता, तो घर से भी नहीं बाहर निकलना होता तो हालत ऐसे ही ख़राब होती है। इसलिए 2-3 दिन से मेरी वीडियो भी नहीं आई। तो यहाँ पे बच्चों की पार्टी शुरू हो गई है और अब्दुलरहमान को बहुत भूख लगी हुई थी, जैसे मैंने चावल से खाने शुरू कर दिए। और ये है जी मेरी भांजी, इसलिए मैंने वॉइस की है, इसलिए बहुत शोर कर रहे थे तो मैंने खुद मैंने कहा इसमें अपनी वॉइस भी कर लेती हूँ, ये तो इनका शोर बहुत आ रहा है। वो मेरी भांजी कह रही है कि हैप्पी बर्थडे जो है वो मेरी है। यहाँ पे जो प्रधान साहब
कैंडल जला रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको इनकी वॉइस सुनाती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। ये हस्बैंड साहब बैठे हुए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये भाई और मेरा मतलब जो हस्बैंड के साथ उधर वर्कर होते हैं वो है भाई, और ये मैं गोपाल भी साथ इंजॉय करेंगे, और साथ में वो मतलब बिरयानी खा रहे। ये देखो वो जान पूछ के हंसा रहा है कि मैं ऐसे खा रहा हूँ। तो लाइट की मतलब था, रात का काफ़ी टाइम था, बच्चों ने तो पार्टी पहले शुरू कर ली थी, तो ये रात के 11 बजे आए थे, तो ये अब खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं इनकी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और ये वो भाई हैं वर्कर जो हैं, और ये मेरा भाई है, और साथ में हस्बैंड साहब बैठे हैं। तो केक जनाब मैंने 2 पाउंड का मंगवाया था, तो वो ख़त्म हो गया, तो बच्चों ने सेलिब्रेट किया, तो ये भाई लोगों के लिए फिर से मुझे मंगवाना पड़ा। तो ये भाई लोगों के लिए मैंने मंगवाया था, तो उनको कटिंग करके दे रही हूँ। पहले उन्होंने खाना खा लिया था, कहते थे अगर हमने केक खा लिया तो फिर हम खाना नहीं खा पाएंगे, तो ये उनके लिए मैं केक काट रही हूँ। तो एक हाथ में मोबाइल पकड़ा है, तो केक काटना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, वो नीचे गिर गया। तो साथ में जबरान आ गया, तो मैं उनकी कटिंग करके सबको दूंगी, और ये जनाब मैं कटिंग कर रही हूँ केक की, भाई लोगों के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चे फिर मदरसे में चले गए थे अपनी पार्टी करके। ये देखो किचन में कैसे बर्तन बिखरे हुए हैं जो मैंने अभी साफ करने हैं। एक लाइट का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। ये देखो ये मैं उनके लिए केक काट रही हूँ, और अपनी भांजी के लिए भी उठा, तो वो उसको ये हैप्पी टू यू जो होती है वो कहते हैं, कहती है आंटी हैप्पी टू यू, बाकी मेरा ये भी रखना, वो केक को हैप्पी टू यू कहती है। तो ये उनके